आई जस्ट वॉन्ट टू से शॉर्ट एंड स्वीट कि ये मैंने बहुत सालों से दिल से सोच रखा था कि कैसे जवाब दिया जाए, कैसे कुछ बोला जाए, एंड नथिंग बेटर देन द फिल्म मीडियम. एंड आई वॉन्ट टू डू अ मॉडर्न फिल्म एंड अ ब्राइट फिल्म, एंड आई डोंट फाइट बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू पुट माई मैसेज अक्रॉस. एंड वाई टूडे, बिकॉज जितने लोग यहाँ पे हैं उनकी ज़िंदगी में 100 साल कभी नहीं आएंगे, ना मेरे ना आपके ना सबके. सो 100 ईयर्स जलियांवाला बाग एंड 100 ईयर्स लेटर इज़ अ स्टोरी. एंड मेरे दिल में जज्बात में ये था कि हिंदुस्तान के लिए वो होना चाहिए कि सिनेमा की मीडियम से भी एक जवाब होना चाहिए. किसी फिल्म मेकर ने आके ये नहीं बोला कि मैं इस पर कुछ बनाना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स अ टॉपिक विच इज़ डिफरेंट. शूटिंग तो लंदन, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली में होगी. एंड वी विल रिलीज द फिल्म बाय नेक्स्ट बैसाखी, बिफोर दैट. और हम ये बोल रहे हैं कि एक साल में फिल्म रिलीज होगी, बट इसके पीछे की जो रिसर्च चल रही है वो बहुत टाइम से शुरू हो चुकी है. बहुत टाइम लगा है इस पिक्चर को इकट्ठे रखने के लिए. 2 साल से रिसर्च चल रही है. तो ऐसा नहीं है कि एक साल में ही सब कुछ होगा. एक साल में अभी हम शूटिंग शुरू करेंगे, बट इसका जो भी रिसर्च और स्टोरी लाइन वो ऑलरेडी बहुत टाइम से डेवलप हो रही है. It's a modern era which has got the old era in its mind. ये मॉडर्न पिक्चर है, आज के यूथ की पिक्चर है, आज के जो 60% हिंदुस्तानी है उनके लिए पिक्चर है, और दुनिया भर के पंजाबीज, इंडियंस और लोगों की पिक्चर है. The response was that doing something, you are doing something big, why can't we be a part of it? Vinita, tell us about your now, from acting to now production, how is the transition? Well, the transition is very exciting and I'm actually looking forward, because abhi tak as an actor, main ye nahi kahungi ki cheeze bahut aasan rahi hain. बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आई एम श्योर प्रोडक्शन में चीज़ें बहुत मुश्किल होने वाली है, बट मैं इस जर्नी के लिए पूरी तरह तैयार हूँ एंड टोटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कई बार हम सोचते हैं इसके अंदर कुछ ऐसा कम कर दिया जाए तो कुछ हो जाएगा, लेकिन टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग फिल्म बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वर्ल्ड के जो बेस्ट टेक्नीशियंस हैं, जो बेस्ट लोग क्रिएटिव हम साथ जोड़ सकें. और बोनी जी की जो खबर का भी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं अपनी शूटिंग के अंदर. लाइक वी हैव टेकन VFX टीम फ्रॉम LA, द पीपल दोज़ हु हैव बीन इनटू एवेंजर्स एंड ऑल, तो जो इस तरह की फिल्मों में काम करते हैं. और फिल्म के अंदर खास बात यह है कि एक नॉर्मल फिल्म बनती है जिसके अंदर VFX कम होते हैं, हमारी फिल्म के अंदर VFX भी बहुत बहुत अच्छे तरीके के हमने यूज़ किए. उसके लिए उस तरह की टीम हमने इकट्ठा करी है, सिनेमोग्राफर से लेके, जैसे कि अभी जब कास्टिंग ग्रुप का जब लॉन्च होगा तो आपको और इसके बारे में जानकारी मिलेगी. लेकिन एक बात है कि बोनी जी का जो विजन है वो जो हमारी 70 mm की जो स्क्रीन होती है, ऐसी 4 स्क्रीन लाए तो जाके आता है. व्हाट आई मीन टू से इज थिंकिंग बिग एंड ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट इन दैट स्क्रीन, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल बी सरप्राइज टू सी कि यार ये एक ऐसी फिल्म सामने जब आएगी, यू लव इट एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. इलेक्शन तो हर मुल्क में आता है, सारी दुनिया में, और इस मुल्क में भी आ रहा है. पॉलिटिक्स में झगड़ा होता रहेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा. मेरी तो सिर्फ, मैं तो अपनी पिक्चर की बात कर रहा हूँ और वो तो सिर्फ आगे बढ़ते जाना है. मेरी पिक्चर की डेडलाइन है बाकी सब. थैंक यू एवरीबॉडी.
just send a solo to you. Yes, sir, madam. Ma'am, this corner, ma'am. Backdrop, I think we need to take the You all can just come this way. Only step on your left a little bit. Sir, up this way. Either way. So we want to take this. Yes. Ma'am, this camera over here. Thank you. Now your solo pictures, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.